पार्टीज का मीटिंग होने के बाद आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाए। ये राजवेट कॉन्स्टिट्यूंसी का इलेक्शंस जनवरी में है, मगर अभी से वोटर लिस्ट का नमोद कार्यक्रम हो रहा है, प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट। इसके बारे में कल लेफ्ट पार्टीज और वैसे ही तेलंगाना जनसमिति इंटी पार्टी टीडीपी को मीटिंग करे, उसमें डिसीजन लिए। ये लेफ्ट पार्टीज के तरफ से सीपीआई सीपीएम आरएसपी फॉरवर्ड ब्लॉक एसयूसीआई सीपीएम लिबरेशन के तरफ से यह हैदराबाद में हैदराबाद संगारेड्डी महबूबनगर ये तीन यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट का जो ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंस है उसमें प्रोफेसर नागेश्वर को सपोर्ट करने के लिए अपन डिसीजन लिए। वैसे ही वारंगल और खम्मम नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट में जयसारथ रेड्डी को सपोर्ट करने के लिए डिसीजन लिए, अभी अपना सपोर्ट उनको करते हैं, सपोर्ट मिलेगा। और वैसे ही यहाँ अपन सोचते हैं कई लोग खड़े रहे, उनका एम्स एंड एबजेंस क्या है, उनका क्या इरादा है उनका। अब देश में बीजेपी आने के बाद सेकुलरिज्म को बर्बाद कर रहे और ये रिलीजन को बढ़ाने की कोशिश रहे, हिंदुत्व एजेंडा को अमल कर रहे, इसलिए हम। और वैसे ही एग्रीकल्चर और इलेक्ट्रिसिटी में भी उनको एक्ट्स को बदला रहे, इसको हम खंडन करते हैं। इसलिए हम जैसे जो अपने तरफ से काउंसिल में रहते हैं, उन्होंने जैसे ये बीजेपी को जो एंटी पीपल पॉलिसी है उसको कंडम करने वाले रहे, क्वेश्चन डालने वाले। और वैसे ही यहाँ टीआरएस भी जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज है, और वैसे ही कई इश्यूज में जो तेलंगाना स्टेशन में प्रॉमिस किए हैं, वायदा करे हैं, वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, उसको क्वेश्चन करने वाला कौन है? लोगों का तरफ का वाणी वो कौन खोलता है? इसलिए ये यहाँ प्रोफेसर नागेश्वर को वहाँ जयसारथ रेड्डी को वे लेफ्ट पार्टीज के तरफ से सपोर्ट करते हैं, उनको जिताने के लिए ये 16 तारीख को नलगुंडा में रखे और 17 को वरंगल में रखे, 18 को खम्मम में रखे यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ हैदराबाद रंगारेड्डी महबूबनगर में 20 से यह भी अपना कैनवाइजिंग शुरू करेंगे। वही जो ग्रेजुएट्स है उनको वोट नमूद करने के लिए बोलेंगे और मजबूत करने के लिए और कैनवाइजिंग को और स्पीडअप करने के लिए कोशिश करते हैं, जिताने के लिए अपना प्रचार चलेगा।